बरेली में जहाँ और गाड़ियों का शोर भी दिखाई पड़ता है, वहाँ पे एक गाड़ी इसके बीच में अलग से चमचमाती हुई दिखाई पड़ती है, आपकी फेवरेट, उसका नाम है हार्ली। और हार्ली पे सवार हैं ये, क्या कौन है आप, क्या नाम है आपका? मेरा बाबू यासीन। बाबू है ये सर, ये आपकी गाड़ी बहुत दमदमारी मुझे रोक लिया इसने, आप बताएंगे ये गाड़ी आपने कितने की ली? मैंने सर 7.5 लाख रुपये की ली थी गाड़ी। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, गाड़ी के मालिक हैं ये, आपका शुभ नाम? शलभ सक्सेना। शलभ जी, दोनों भाई लोग हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन गाड़ी वास्तव में जम रही हो, गाड़ी बैठे हुए आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और वैसे आपको क्या लगा, बरेली की सड़कों पर गाड़ी सही रहेगी? सर ये दो गाड़ी खरीदी हैं हम लोगों ने। दो गाड़ी खरीदी है आपने? ये मैं आपकी देख रहा हूँ, ये पैशन है, डिस्कवर चला रहे हैं आप मतलब भाई को आपने दे रखी है इतनी बढ़िया गाड़ी, आपको नहीं लगता आप इसमें बैठते तो ज़्यादा जरूरत? नहीं नहीं, गाड़ी जरूर अच्छी है। तो बता, हाँ तो ये बताइए कब लिया आपने? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए सर, ये आपको पैसे की बर्बादी नहीं लगी? आपको इतना 7.5 लाख रुपए आपने इसमें लगा दिया, और हम भारतीय जो देखते हैं इसमें, हम सबसे पहले ही देखते हैं एवरेज क्या है गाड़ी का। अरे भैया का शौक है ये बस, इसीलिए शौक पे ले ली गाड़ी। मतलब शौक सबसे बड़ी चीज़ है, क्या एवरेज है इसका? ऐसे ही हम इंडियन तो हमेशा पूछेंगे, आप बताइए। 13-14 का एवरेज रहता है। 13-14 का एवरेज रहता है, मतलब अगर 100 किलोमीटर चली तो आपका करीब 500 रुपये का पेट्रोल चला जाएगा। चलिए सर, शौक बड़ी चीज़ है, और आपके पास एक वास्तव में बड़ी चीज़ है, इसकी हम दाद देते हैं। हम बरेली वासियों का ये सौभाग्य है कि आप लोग के पास गाड़ी है। शलभ जी आपका और सर आपका इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस गाड़ी के बारे में फिर आपको और हम बताते रहेंगे, ये अगर हम आपको दोबारा रास्ते मिले तो फिर से हम इन्हें पकड़ लेंगे। थैंक यू।